जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एके इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेकर आ चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने पूरा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जा करके देख सकते हैं। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, और सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य का क्या होता है, पूर्ण रूप से हो जाना। किसी भी कार्य का क्या होता है, पूर्ण रूप से हो जाना, यानी परफेक्ट, यानी हम कह दें कि वह पढ़ने में परफेक्ट, यानी पूर्ण रूप से क्या है, सक्षम है। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हम पढ़ते हैं, तो पहला पहचान क्या होता है कि जब किसी भी कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, जब किसी भी कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब जैसे वह आगरा जा चुका है, वह आगरा जा चुका है, या वह आगरा चला गया है, वह आगरा चला गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि वह आगरा जा चुका है, यानी किसी भी कार्य का क्या हो रहा है यहाँ पे, वह आगरा जा चुका है, यानी उसका जाने का काम क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उसका जाने का कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे दे रहा है कि वह आगरा चला गया है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि उसका आगरा जाने का काम क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी भी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया, वर्तमान समय में समाप्त होना पाया जाता है, जब किसी भी वाक्य में किसी कार्य का क्या होता है, वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यह था हमारा पहला पहचान। दूसरा पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है, या है, ये हैं, ठीक है, या हूँ, इत्यादि शब्द आता है, वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, या हूँ, इत्यादि शब्द आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए वह चला गया है, वह चला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। वह चला गया है, यहाँ पे अंत में है शब्द आ रहा है, वह चला गया है, यानी उसका जाने का काम क्या हो चुका है, पूरा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। या वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, चुका है शब्द आ रहा है, और इसमें या है शब्द आ रहा है। अगर सिर्फ आ जाता वह चला गया, वह चला गया, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, जब है शब्द लगा रहेगा या के अंत में, ये के अंत में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर है शब्द नहीं रहता है, जैसे वह चला गया, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। या लग जाता है, वह आगरा चला गया था शब्द लग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो ध्यान देना आपको क्या यहाँ पे, कि अगर है शब्द रहेगा या ये के साथ, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इत्यादि शब्द आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कितना आप लोग समझे होंगे। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया था क्या होता है, आइए अब पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके बारे में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो रूल फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रूल फर्स्ट ध्यान दीजिए यहाँ पे, रूल फर्स्ट क्या कर रहा है, रूल वन में कह रहा है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, ठीक है, ही, सी, इट,
और एक वचन का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका एक वचन का सब्जेक्ट, और एक वचन का सब्जेक्ट आएगा। तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज रहेगा, उसके बाद भीतरी, प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड भी हम कर सकते हैं इसके आगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन का सब्जेक्ट आएगा तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, फिर भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता अपना पाठ याद कर चुकी है, सीता अपना पाठ याद कर चुकी है, सीता अपना पाठ याद कर चुकी है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सीता आपका सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन में है कि नहीं है, एक वचन में है, सीता अपना पाठ याद कर चुकी है, अंत में चुकी है शब्द आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब सीता अपना पाठ याद कर चुकी है तो यहाँ पे सीता शब्द हमारा क्या हो रहा है, एक वचन सब्जेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा सब्जेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। उसके बाद भी थ्री का प्रयोग करना, भी थ्री हमारा क्या हो जाएगा, याद करना, भी थ्री हमारा क्या हो जाएगा, याद करना, याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न होती है, इसमें टी जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भी थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, अपना पाठ, अपना पाठ, तो हमने बताया था सीता के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगा, हर लगेगा। जब किसी भी स्त्री, एक वचन अगर स्त्री का नाम आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना की अंग्रेजी हर लगाएंगे। इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सीता के साथ अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद पाठ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आपका लेसन, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना आप देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, कह रहा है कि रोल फर्स्ट, यानी रोल फर्स्ट में यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन का सब्जेक्ट आएगा तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज, उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सीता अपना पाठ याद कर चुकी है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, हमने सीता का अंग्रेजी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हैज कह रहा है, हमने हैज लिख दिया। भीतरी, भीतरी हमारा क्या है, याद करना, ठीक है, यानी क्रिया हमारा क्या है, याद करना, इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा, लर्न में टी जोड़ देंगे तो हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना पाठ, तो सीता के साथ अपना की अंग्रेजी हर लग जाएगा, उसके बाद लेसन लग जाएगा, यानी अपना पाठ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। अब देखिए सेकेंड रोल में क्या कर रहा है, सेकेंड रोल में क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई, वे, यू, दे, दिज और बहुवचन का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या आता है, बहुवचन का सब्जेक्ट आएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का सब्जेक्ट आएगा तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद भीतरी, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट हमारा क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, दी जाता है या बहुवचन का सब्जेक्ट आता है तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम पटना जा चुके हो, तुम पटना जा चुके हो, तुम पटना जा चुके हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है, और हमने क्या बताया कि यदि यू आएगा तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव, तो सब्जेक्ट भी हमारा हो गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव का प्रयोग कर दिया। भीतरी, भीतरी हमारा क्या है, जाना,
तो क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म हमारा गो का क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है। उसके बाद से हमारा क्या करा, पटना, तो गॉन टू पटना। यहाँ पे पी कैपिटल रहेगा क्योंकि किसी भी स्थान का नाम हम क्या करते हैं, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। राम और श्याम विद्यालय चले गए। राम और श्याम विद्यालय चले गए हैं। ठीक है, अब देखिए राम और श्याम विद्यालय चले गए हैं। अब देखिए राम और श्याम यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम और श्याम सब्जेक्ट हो जाएगा, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि हमने बताया कि यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे दी जो बहुवचन का सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद भीतरी यानी चले गए यानी जाना, वही हो जाएगा हमारा गो वेंट गॉन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करा, विद्यालय चले गए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, विद्यालय टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन का सब्जेक्ट आएगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी थ्री रहेगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे दी जाता है और बहुवचन का सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और भी थ्री इसमें भी रहेगा। तो आई होप कितना आप लोग समझे होंगे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं शब्द आता है या कभी नहीं शब्द आता है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, यानी किसी भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है तो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि निगेटिव सेंटेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में यदि नहीं शब्द आता है तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज या हैव रहेगा, उसके बाद नॉट, हमें क्या करना है, हैज या हैव के बाद से नॉट लगा देना, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके हैं, वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है यानी हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आइए समझते हैं, करा वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, वे लड़के हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो इसकी अंग्रेजी एक साथ, दे बॉयज, दे बॉयज। उसके बाद हमने क्या बताया, हैज या हैव का प्रयोग करना, ही सी इट और एक वचन का सब्जेक्ट रहेगा तो हैज का प्रयोग, आई वी यू दे दीज और बहुवचन का सब्जेक्ट रहेगा तो हैव का प्रयोग। तो दे बॉयज हमारा क्या, वे लड़के बहुवचन में आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसके बाद हैव के पास हमें किसका प्रयोग कर देना है, नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग कर देना है, क्या हो जाएगा आपका, नॉट हो जाएगा। उसके बाद भी थ्री हमारा क्या होता है, उड़ाना, भीतर यानी हमारा उड़ाना क्या है, वर्ब है तो फ्लाई होता है और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, फ्लोन हो जाता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एकाइट, ऑब्जेक्ट एकाइट हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड देखिए छत पर, तो पर की अंग्रेजी ऑन और छत की अंग्रेजी द रूफ,
ऑन द रूफ, तो क्या हो जाएगा, दे बॉयज हैव नॉट फ्लोन अ काइट ऑन द रूफ। एक बार फिर समझ लेते हैं, देखिए कह रहा है वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, दे बॉयज यानी वे लड़के। उसके बाद से हमें क्या करना है, बहुवचन का सब्जेक्ट हमने बताया आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। वो हैज या हैव के बाद से हमें किसका प्रयोग कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो हमारा नॉट हो गया नई शब्द के लिए। उसके बाद भीतरी, भीतरी हमारा क्या है यानी वर्ब क्या है, उड़ाना, इसका भीतरी क्या हो जाएगा, फ्लोन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ काइट यानी पतंग है, तो क्या हो जाएगा, अ काइट। अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, छत पर, तो पर की अंग्रेजी ऑन, छत की अंग्रेजी द रूफ। तो आई होप कि आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा अब इसके आगे का आएगा यानी इंटरगेटिव सेंटेंस का आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।